महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, ये रिकॉर्ड जो है 18 साल के बाद ऐसा रिकॉर्ड आया है कि इतना गंदा औरतों के दिया जाता कि घर से बाहर निकलिएगा तो अरेस्ट कर लिया। कौन धमकाता था? थाना प्रभारी देते थे, कभी फोन आता नहीं है। एक परिवार में ही 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों का नेचर 10 तरह होता है, तो वही है और क्या है? कुछ असर आप लोग हो जाता है? देखिए, कोई भी अगर देश डेवलप होता है ना, तो आप देखिएगा कि महंगाई बढ़ती है। ये एक परंपरा है, ये अब देश को। तो किचन भी संभालते होंगे, इसका असर आपके किचन में भी दिखता होगा। वही आपको हम बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप जो अगर केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए अमेरिका, देखिए वहाँ पर कितना है, कितना डॉलर में मिल रहा है। अमेरिका क्यों चले जाएं, भारत में रहते हैं। अभी आप देश आपका पूरा विश्व में डंका। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका जहाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। अभी हमारे साथ में दुमका जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीतू झा है। नीतू झा जी, आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बताइए, चुनाव का तो समय आ गया है, अब 24 का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो राज्य सरकार का कामकाज 3-4 साल होने वाला है, कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन के जो कामकाज रहा, हेमंत सरकार की जो कामकाज रहा, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? हेमंत सरकार का जो राज्यकाल रहा, वो तो हर स्तर से विफलताएँ रहा, चारों तरफ से वो विफल रहे हैं। और उनका जो है ये अंतिम गिनती शुरू हो रही है, अब जो है साल भर के अंदर सभी रिजल्ट निकल ही जाएगा कि कैसे काम किए, तो जनता जवाब देगी। किस काम से नाखुश रहे है? जब अबुआ दिसम अबुआ राजर अबुआ के सरकार है और बोलते हैं आप उसके काम काज से खुश नहीं है। तो अबुआ है या महुआ है, तो वो तो अपने ही स्तर के लोगों को मदद नहीं कर सके, उनके लिए कुछ विकास का कार्य नहीं कर सके, तो बात बाकी किसके लिए करें। सबसे तो इनके सरकार का सबसे निरर्थक प्रयास ये रहा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, ये रिकॉर्ड जो है 18 साल के बाद ऐसा रिकॉर्ड आया है कि इतना गंदा औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जो घटना है, इसे शर्मसार कर देने वाली घटना है। किसी भी सरकार में इतिहास उठा के देखिए, ऐसा कभी गिनती नहीं। महिलाओं के साथ अत्याचार की बात जहाँ तक करेंगे, तो कोई भी सरकार इससे अछूता नहीं रहा, हर सरकार में होता रहा है और आज भी हो ही रहा है, तो इसको रोकने का प्रयास किस तरह से करना चाहिए? देखिए, हर सरकार में घटनाएं तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, सभी की सरकार में होती है, पर आप स्तर को देख लीजिए, आप तुलनात्मक स्तर को देख लीजिए कि आज के 4 साल के अंतराल में जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जो घटना हुई, और आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या रहा, क्या है महिलाओं की क्या स्थिति है झारखंड में अभी। अच्छा, अभी वर्तमान में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बने हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कितने उम्मीदें जागी है, अब कैसा कामकाज होगा भाजपा का? बहुत ज़ोरदार काम होगा, ऐसे भी पहले भी जो दीपक प्रकाश जी तो थे ही, पर इनके बाबूलाल जी, माननीय बाबूलाल जी के बनने से हम लोग बहुत खुश हैं। इस कारण खुश है कि पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंस, राजनीति एक्सपीरियंस काफ़ी उच्च हाई लेवल के, बहुत जुझारू हैं, बहुत समझदार हैं, और वो उनको पता है कि किस तरह से काम करके जनता के बीच, जनता के लिए जीना है, उन्हीं के लिए काम करना है। और पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, खासकर हम लोग कार्यकर्ता जैसे हैं कि बाबूलाल के आने से हम लोग बहुत ही उम्मीद लगाए हुए हैं। आपने कई ऐसे काम किए हैं लोग हित के लिए, लेकिन कई ऐसे काम भी किए हैं जो विवादित रहा है, अक्सर विवादों में रहा है, उस पर क्या कहिएगा? हम कभी विवादित नहीं रहे हैं, काम करने वाले को जैसे कि आप ही लोग में से कभी विवादित में हमको डाल देते हैं, उल्टा सीधा करवा देते हैं कि चलो इसको, करते तो आप ही ना हैं। हम तो अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए विवाद में रहते हैं। अगर नहीं करते, हम भी अन्य महिलाओं के तरह, अन्य जिला अध्यक्ष जैसे जेएमएम की है, कांग्रेस की है, कोई मतलब नहीं, कहीं घटना हो दो शब्द नहीं बोलना, घर में रहना आराम से। अगर दुमका में इस तरह का चार पेट्रोल कांड हुआ, इतनी लड़कियों के साथ बलात्कार, मार मार के छज्जा पे कुआं में फेंक दिया जाता था, 2 साल बच्ची तक का घटना ऐसा हुआ, निर्मम हत्या हो गया, लड़कियां इतनी असुरक्षित हो गई, मार के पैर में लटका दिया जाता, यहां तक कि आदिवासी लड़की हो चाहे कोई भी कास्ट की लड़की हो, तो दिल तो खोलता है ना, आत्मा खोलता है ना, एक बच्ची जो जीवन जीने आई है उसकी इस तरह की निर्मम हत्या हो जाएगी। तो भाजपा नेता के साथ, भाजपा नेता भी जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उसको लेके महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीतू झा कुछ नहीं बोलती है। अभी ताज़ा मामला पूरे देश में चल रहा है ब्रिजभूषण का, उसको लेकर कभी नीतू झा कुछ एक शब्द नहीं बोली?
देखिए, जो गलत करते हैं, जो हमारे पार्टी के ही रहने से क्या होगा, अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको पनिशमेंट करना चाहिए, पार्टी से हटा देना चाहिए। ऐसे धूमिल छवि वाले को बीजेपी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वो माफ़ी भी मांगे तो उन्हें माफ़ी नहीं देना चाहिए और सजा होनी चाहिए। हम हमेशा ये बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि नीतू झा भाजपा के लिए ज़्यादा काम करती है कि जो वंचित है, शोषित है, जो महिला है उसके लिए काम करती है। देखिए, हम पहले भी सोशल वर्कर थे और आज भी मेरे अंदर आत्मा में एक सोशल वर्कर ही है। और पार्टी क्या है, संगठन, बीजेपी एक सेवा का पार्टी है, सोशल वर्क ही है। वहाँ पार्टी में क्या होता है, यही काम होता है। और हम हमेशा बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएं और हमेशा उठाएंगे, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए। चाहे देखिए, आप तो तत्काल देखे ही कि इतना मेरे ऊपर केस हुआ, 9 महीना हम अंडरग्राउंड रहे। हमेशा हमको धमकी दिया जाता कि घर से बाहर निकलिएगा तो अरेस्ट कर लिया। कौन धमकाता था? थाना प्रभारी देते थे, कभी फोन आता था जरमुंडी से कि आप रैली में नहीं जाइएगा, पार्टी में मत जाइएगा, नहीं तो आप घर से बाहर निकलिएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। फिर भी हम तो कभी डरे नहीं। कैसा महिला अध्यक्ष है कि आप फोन से डर गए? हम डरे ही नहीं, तो हम हर कार्यक्रम में शिरकत किए। आप तो फोटो देखते ही हैं, हर कार्यक्रम में शिरकत किए, जितना रैली हुआ आज तक हमारा कदम नहीं रुका, कभी नहीं रुका। हमको अगर जेल ले जाना था तो धमकी क्यों देते थे, ले जाते, हमारा तो दोनों हाथ खुला था। और आप तो साल भर हमको फंसा के रखे तो कहाँ कुछ हुआ, हम तो बोल ही रहे थे। तो अनर्गलन जो बयानबाजी के लिए नीतू झा जाना जाती है, क्या नीतू झा की छवि ऐसी ही है? इसके लिए अनर्गलन करेंगे हम? अपने अपने जिला की लड़कियों के लिए सुरक्षा करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसको जस्टिस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, तो लोगों को अनर्गल लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इतना बड़ा आंदोलन किए, 3-3 आंदोलन किए, तो आज हम देखिए कि आप खुद देख लीजिए कि अभी 5 महीना से दुमका में कोई लड़कियों के साथ कोई घटना नहीं हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि हम सोचते हैं कि महिला सशक्त हो गई है, लड़कियां एक्टिव हो गई है, तो ये घटनाएं रुकी है। अगर हमारा बलिदान देने से, हमारा आंदोलन करने से अगर बच्चियां सुरक्षित है तो हम हमेशा बलिदान देंगे। और चाहे मुस्लिम की बच्ची, हिंदी की हो, सिख की हो, ईसाई, किसी भी कास्ट की हो, हम सब के लिए उतना ही है जितना एक हिंदू बच्ची के लिए है। हम हर कास्ट की बच्ची के लिए उतना ही युद्ध करेंगे, उतना ही आंदोलन करेंगे, पर किसी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे मीडिया मुझे कुछ बोले और कोई भी कुछ बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। इन सालों में, जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, इन सालों में क्या खास मोमेंट रहा और कितना आपने काम किया लोगों के लिए, जो लोग अब आप लोग आपको चाहे या लोग आपको माने, ऐसा कौन सा काम के प्रति काम है जिससे नीतू झा पहचानी जाती है? देखिए, हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, है तो जनता बोलेगी, पार्टी के आला कमान बोलेंगे, प्रदेश देख रहे हैं हमको कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, अपना मुंह से तो बोलना चाहिए। भाजपा में बहुत ज़्यादा गुटबाजी चल रहा है, इसको लेकर आपको क्या करना है? गुटबाजी हर पार्टी में चलती है, आप भाजपा को क्यों बदनाम करते हैं? गुटबाजी कुछ नहीं है, एक परिवार में ही 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों का नेचर 10 तरह होता है, तो वही है और क्या है, थोड़ा सा नेचर इधर उधर होता है। पर काम तो हम लोग कमल फूल के लिए ही करते हैं ना, उन्हीं के लिए तो हम लोग सब कुछ करते हैं। मोदी जी के लिए, जो प्रधानमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है पूरे देश में, महंगाई पर क्या करना है? महंगाई का कुछ असर आप लोग बुझाता है? देखिए, कोई भी अगर देश डेवलप होता है ना, तो आप देखिएगा कि महंगाई बढ़ती है, ये एक परंपरा है। ये अब देश को, तो किचन भी संभालते होंगे, इसका असर आपके किचन में भी दिखता होगा। वही आपको हम बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर, आप जो अगर केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पर आलू अगर 20-25 रुपया मिलता है, आप जाके अमेरिका देखिए वहाँ पर कितना है, कितना डॉलर में मिल रहा है। अमेरिका क्यों चले जाए, हम भारत में रहते हैं। अभी आप देश आपका पूरा विश्व में डंका बजा रहा है, तो आप किस चीज़ का डंका बजा रहे हैं? हमारा पार्टी जो है पूरा विश्व में छाया हुआ है कि मोदी जी का नेतृत्व इतना बढ़िया है। पहले जिस तरह का बेरोजगारी था, जिस तरह का अराजकता था, जिस तरह का हर कुछ में कमी थी, वो अब धीरे धीरे मोदी जी एकदम लाइन अप कर दिए। अगर देश बढ़ेगा तो महंगाई थोड़ी तो बढ़ेगी ना।
मोदी जी के नेतृत्व में क्या कुछ ऐसा हो गया, महंगाई आप बेरोजगारी खत्म हो गया आप बोल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी दर मालूम है कि अभी देश में क्या है? अब देखिए, आप तो 3 साल आप कोविड में भी तो रहे, ये इस बात को तो आप इस बात को तो आप बोल नहीं रहे कि 10 साल हो गया, 10 साल होने वाला है मोदी जी का जी। तो आप ये भी तो देखिए, इतना बड़ी महामारी हुई, सभी देश बड़े बड़े देश की स्थिति खराब हो गई, और यहाँ पर तो अभी भी लोग अच्छे से खा रहे। मोदी जी उस स्थिति में भी सभी को दाना पानी देते रहे, घर में बैठ के आराम से खाइए, कोई किसी को तकलीफ नहीं दिए, इस बात का आप भवाई दीजिए कभी। प्रदेश में बदलाव देखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, क्या अब जिला में भी ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा? अब ये तो देखिए, प्रदेश तय करेगी कि जिला का क्या होगा, लेकिन नियम तो ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रदेश का आदेश का पालन करेंगे। लगातार आप लोग बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं चुनावी संगठन जो है बनाने के लिए, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है नीतू झा को जब मैदान पे जाती है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता त्रस्त है, सभी के घर जाते हैं तो एक ही शिकायत, ये जिम सरकार हम लोग को नीलाम कर दिए, हम लोग का कुछ भी नहीं बचा, जो क्रेशर वगैरह का बिजनेस था या छोटा मोटा नदी का बालू जंगल की बात हो चाहे कोई विभाग की बात हो, सभी माफियाएं का एकदम राज चल रहा है, सभी त्रस्त हो चुके हैं, सभी बोलते हैं कि अब हम लोग एकदम से दोनों हाथ, और महिलाएं बोलती हैं आँचे आँचल फैला के बाबा से मांग रहे हैं कि जल्दी आ जाए भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल होगा। टमाटर खा रहे हैं नहीं आजकल? टमाटर का उपज कम हो गया इसलिए दाम बढ़ गया। नहीं, किचन में भी आ रहा है नहीं आपका? किचन में तो आ ही रहा है, भाजपा के लोग खा पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं खा पा रहे हैं। क्यों भाजपा के लोग क्यों खाएंगे, सभी खा रहे हैं, थोड़ा ही खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, महंगाई है तो थोड़ा कम खा रहे हैं। क्या लगता है कि 24 में कुछ केंद्र में बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, केंद्र में फिर मोदी जी की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार आपका झारखंड में, और वहाँ भी फिर से डबल सरकार का हम लोग डंका बजाएंगे। जब से बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं तो भाजपा में गुटबाजी चलना शुरू हो गया है? कोई गुटबाजी नहीं है, सभी ओबीसी लोग नाखुश हैं, पिछड़े वर्ग के लोग तो। अब देखिए, कौन खुश है कौन नाखुश है वो तो उनकी अपनी सोच पर निर्भर करती है, पर लगभग हम लोग जहाँ जिसे संपर्क में आते सभी खुश हैं, हम लोग तो बहुत मिठाई बांट रहे हैं। खतियान को लेकर बात होती है कि झारखंडी वही होंगे, झारखंड में तमाम जो स्थानीयता का जो संबंध होगा वो खतियान पर होगा, इस पर क्या करना है आपका कि यहाँ का जो स्थानीयता नीति बनना चाहिए वो खतियान आधारित होना चाहिए क्या कुछ और? बिल्कुल खतियान का नीति होना ही चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड में जो लोग इतने दिन से रह रहे हैं उन्हें पहले तो प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद फिर बाहरी लोगों को। चलिए, ये थे हमारे साथ में नीतू झा, अक्सर विवादों में रहने वाली नेत्री, लेकिन अब कुछ अलग कर रही है, और भाजपा झारखंड भाजपा में कई बदलाव अब देखने को मिलेंगे, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी बनाए गए हैं, अब देखने वाली बात है कि अब जिला स्तर पर संगठन को में बदलाव होगा या जो कार्य कर रहे थे पूर्व में जो तमाम कमेटियाँ वह वैसे की वैसी कमेटी बनी रहेगी। बने रही आप लोग जवानों के साथ, धन्यवाद। 23 वर्षों से मार्बल्स टाइल्स ग्रेनाइट का बादशाह कृष्णम मार्बल्स की दुकान गौशाला रोड दुमका, आज ही पधारें, यहाँ पर सभी प्रकार के मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स बाथ वेयर पाइप फिटिंग सैनिटरी वेयर किचन से आदि सामान मिलता है। मोबाइल नंबर याद रखें 7004 5935 91।